अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको एक पुराने वीडियो में प्रॉमिस किया था, शनि और उसके साथ बैठे ग्रह अपने कॉम्बिनेशंस में क्या क्या बीमारियां दे सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको सब अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत कौन से भाव और राशि के अंडर बॉडी के कौन सा पार्ट का कौन सा अंग कौन सा पार्ट आता है। तो ये सारी चीजें हमने कवर करी थी और हमने ये भी कवर किया था कि शनि क्या क्या बीमारियां देने में सक्षम। कोई भी बीमारी जब व्यक्ति को होती है तो एक प्रमुख ग्रह होता है, लेकिन उसके कॉम्बिनेशंस भी होते हैं जिसके कारण वो बीमारी हमारे को बहुत अच्छे से समझ में आती है कि भाई कौन से ग्रह उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यदि हम सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन देखें, सबसे पहले सूर्य शनि जो है वो अग्नि तत्व और एक वायु तत्व का कॉम्बिनेशन है। इससे और ये लग्न पर दोनों इफेक्टिव होते हैं, तो ये आपको माइग्रेन्स दे सकते हैं। ये आपको हीट इन द बॉडी, जब व्यक्ति के बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी, आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को गर्मियों के कारण रैश हो जाता है, पित्त हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, वो सारी चीजें इस कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आती है। बुढ़ापे में जो लोगों के बोन्स हड्डियां जर्जर होने लगती है वो भी इसी कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आता है। फिर हम लेते हैं चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन। चंद्रमा आपको क्या बताता है? चंद्रमा बताता है कि आपके बॉडी में जल तत्व का क्या प्रॉब्लम्स है। शनि किसी भी चीज को कमती करता है, सिकोड़ता है। यदि चंद्रमा शनि का कॉम्बिनेशन आपके फोर्थ हाउस में हो या जंक्चर ऑफ द थर्ड हाउस में हो तो आप देखिए कि थायराइड के इश्यूज आ सकते हैं, आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। यदि यही कॉम्बिनेशन किसी के लिए सेवेंथ हाउस में हो या एट्थ हाउस में हो तो आप देख सकते हैं कि जो मेल या फीमेल हॉर्मोन्स है वो अनरेगुलेटेड या कम मात्रा में आपके बॉडी में बन रहे हैं। ये आपको हार्मोनल डिजीजेस दे सकते हैं, लो बीपी दे सकते हैं, क्योंकि शनि कोई भी चीज को सिकोड़ता भी। फिर वो आपको ऐसी ये सारी बीमारियां देने में सक्षम है। यदि हम मंगल और शनि की बात करें, मंगल और शनि का जो कॉम्बिनेशन है क्लासिकली बोला जाता है कि वो आपको बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज देते हैं। हाँ, यदि आप अपना नॉलेज वहां इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप को सफरिंग्स देने में भी ये कॉम्बिनेशन सक्षम है। और खासकर आपको ये पित्त अल्सर या हम कहें कि व्यक्ति को जब हाई बीपी भी होता है या व्यक्ति को बोन्स फ्रैक्चर कहीं अकस्मात एक्सीडेंट्स, ये सारी चीजें भी मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को दे सकता है। जब हम बुध और शनि की बात करते हैं, ये काल पुरुष कुंडली के षष्ठम और एकादश भाव के स्वामी बन जाते हैं और आपको नर्वस डिसऑर्डर्स देने में बहुत अच्छे से सक्षम है। ये आपको जो जैसे पार्किंसंस हो या अल्जाइमर्स, ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपके नर्व्स से रिलेटेड होती हैं या आपके वो सिंड्रम्स जहां व्यक्ति अपने मोटर एक्शंस पे काबू नहीं पा सकता, ये सारी चीजें जो है ये मर्करी सैटर्न का शनि का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छे से आपको दे सकता है। तो इस बात पर व्यक्ति को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए और अपना ख्याल रखते रहना चाहिए। गुरु और शनि, ऐसे तो जब हम डबल ट्रांजिट प्रिंसिपल की बात करते हैं तो गुरु और शनि का किसी भी काम को सही करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना पड़ता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मेडिकल की दृष्टिकोण से यदि गुरु शनि एक साथ हैं या परस्पर दृष्टि में है तो वो जहां भी अपनी दृष्टि डाल रहे हैं शरीर के उस अंग में फैलाव ला सकते हैं या अनवांटेड अनरियलाइज्ड जो फैलाव है वो ला सकते। तो इसके लिए व्यक्ति को बहुत जरूरी है कि वो व्यक्ति इस कॉम्बिनेशन से जो अच्छी चीजें आ रही हैं वहां अपनी एनर्जी यूज करे और
आपको ये हमेशा दिखाई देगा। यदि आपके सेकंड हाउस में गुरु शनि बैठे हुए तो आप देखिएगा कि चेहरा शरीर के बाकी अंग से थोड़ा सा फूला हुआ है, और यदि आप अपने काम में पढ़ाई में ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे हैं तो वो चेहरे पे प्रॉब्लम्स ज्यादा नहीं आएंगी, लेकिन हाँ वो होगा। यही यदि आप पढ़ाई में काम नहीं यूज कर रहे हैं या अपने घर परिवार के लिए काम नहीं कर रहे तो वहां वो एनर्जी ही है, वो नेगेटिव यूज हो सकती है। फिर हम बात करते हैं शुक्र और शनि। तो शनि और शुक्र जो है 211 में कॉम्बिनेशन के कारण आपको अपार धन देने में सक्षम है, लेकिन वो ये भी बता सकते हैं कि आप के लिए मेल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स शुक्र की कमी दिखा सकते हैं, या वो आपके जो मांसपेशियां हैं उनमें कहीं थोड़ी सी सिकड़न आदि ये सारी चीजें दिखा सकते हैं। राहु शनि और राहु केतु के बारे में, राहु और शनि और राहु और केतु और शनि के बारे में ये बताया गया है कि जब ये कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में दिखाई देते तो व्यक्ति को बहुत सजग होना चाहिए। हाँ, राहु और शनि का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना गया है फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, लेकिन ये दोनों मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, इससे हम इस बात को हम नकार नहीं सकते। ये क्या करने में सक्षम है, यदि आप दो चार्ट्स लगाएं, मार्गरेट थैचर और अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उनके चार्ट में आपको अच्छे से नजर आएगा। राहु दशम भाव में दिग्बली होता है बोला जाता है, सप्तम भाव में दिग्बली होता है, लेकिन दशम भाव का राहु बहुत स्ट्रांग होता है, और लग्न पे यदि उच्च का शनि हो तो योग कारक होने के साथ साथ ये बहुत स्ट्रांग इफेक्ट दे सकता है। अब यहाँ शनि दोनों के चार्ट में तुला लग्न में विद्यमान है, और दोनों के चार्ट में हम देखते हैं कि वो दशम भाव को भी देख रहे हैं, लग्न पर बैठे हैं, राहु के साथ स्ट्रांग एसोसिएशन हो जाता है शनि का। क्योंकि ये लग्न पर बैठे हैं तो ऑब्वियसली आपके सर पे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो वो दिखा ही रहे हैं, स्ट्रांग शनि है, मेडिकल एसोसिएशन हम देखेंगे। जब तक ये पावर में रहेंगे, पॉलिटिक्स में रहेंगे, ये अच्छा काम करेंगे, लेकिन एक बार रिजाइन करें या वहां से अपना काम, अपना कार्य क्षेत्र बदलें, तो आपको क्या प्रॉब्लम्स नजर आएंगी वो आप इन दोनों की जीवनी को पढ़िए। अटल जी कोमा में चले गए, उनको भी प्रॉब्लम्स हुई, विस्मृति की प्रॉब्लम्स हुई, डिमेंशिया हुआ मार्गरेट थैचर को, और अटल जी का नी रिप्लेसमेंट जो हुआ शनि टेंथ हाउस को देखने के कारण, ट्रांजिट रिजल्ट्स मैटर वो भी हमें देखना पड़ता है। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं शनि राहु केतु के साथ जब योग करते हैं या उनके साथ संबंध बनाते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स देते हैं जो लंबे अंतराल तक चलती है और शायद इनका कोई उपाय नहीं हो सिवाय भुगतान के। तो जरूर लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने सुझाव कमेंट्स जरूर वीडियो के नीचे रखें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।